दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ज्ञानधारा हर्षोली चैनल में। दोस्तों 30 मई 2019 को पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है, तो अब इसके पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी के मन में दुविधा है कि नंबर आएगा नहीं आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। जैसा कि कमेंट के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, इस कैटेगरी से हूँ, मार्क्स के बाद भी मेरे नंबर आ पाएगा या नहीं, या फिर मुझे चॉइस का कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसी संपूर्ण जानकारी को लेकर दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके सामने। दोस्तों एक बात तो तय है कि अब की बार जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, बिल्कुल इसे आप जो है सामान्य रिज़ल्ट नहीं कह सकते, ये हार्ड रिज़ल्ट है। और वास्तव में ही मैं आपको बताऊँ, अब की बार कट ऑफ कम रहने वाली है। कट ऑफ कम रहने का जो प्रमाण है मैं आपको बता देता हूँ। हमने कल एक सर्वे किया था जिसमें लोगों से हमने 450 से लेकर 150 मार्क्स तक के ऑप्शन दिए थे, तो उस सर्वे की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उस सर्वे में जो वोटिंग हुई है उसमें 400 से 450 मार्क्स में केवल 6% लोगों ने वोटिंग की है, और 350 से 400 मार्क्स में 16% लोगों ने वोटिंग की, 300 से 350 में 30% लोगों की वोटिंग आई, और 250 से 300 में 40% लोगों की वोटिंग, और 150 से 250 में केवल 8%। तो कुल मिला के हम देखें तो 200 से 300 के बीच में 40% वोटिंग हुई है, तो हम मान सकते हैं कि रिजल्ट काफ़ी हार्ड रहा है। तो दोस्तों यदि आपके 200 मार्क्स भी हैं तो ये मान के चलो कि आपको कॉलेज अलॉट तो हो ही जाएगा। एक बात आपको बता दें दोस्तों, यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की हम बार बार कहते क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। मैं खुद राजस्थान से हूं और ये चैनल राजस्थान को ही समर्पित है। राजस्थान के विद्यार्थियों को जो कोई समस्या होती है हम उनका सॉल्यूशन करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इस प्रकार की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। हम बात कर रहे थे दोस्तों सर्वे की रिपोर्ट को, तो दोस्तों इस सर्वे के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आपके 200 मार्क्स हैं और आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो भाई आप क्लियर है, फर्स्ट लिस्ट में ही, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप काउंसलिंग कराइए और आल राजस्थान का ऑप्शन भरिए। तो बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट में मेरे से पूछा है कि सर क्या आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही हम आल राजस्थान का ऑप्शन भर दें। भाई एक बात हम क्लियर बता देते हैं आपको, आप दूसरी काउंसलिंग के इंतज़ार में बिल्कुल ना रहें। यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपनी चॉइस आल राजस्थान भर देते हैं तो आपको मेरिट के अनुसार निकटतम ही कॉलेज मिल जाता है, और ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज ही मिल जाएगा, क्योंकि पीटीटी में ज़्यादातर सीटें खाली ही रहती हैं। अब इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते, सेकंड काउंसलिंग में अपीयर होते हैं, तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो विद्यार्थी आपसे कम मार्क्स से हैं तो उनकी वो जो है अपनी सीटें रिजर्व कर लेते हैं और सीट उनको अलॉट हो जाती है, और जो बची कुछ ही सीटें हैं वही सेकंड काउंसलिंग में अपीयर होती हैं, तो फिर आपके सामने जो बेहतर विकल्प है वो निकल जाते हैं। इसलिए आप दूसरी काउंसलिंग के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे रहें, प्रथम काउंसलिंग में ही आप जो है काउंसलिंग करा दें। और एक बात आपको क्लियर कर दें कि जिनके 200 से 250 मार्क्स हैं, जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हैं और मेल हैं, मैं आपको बता दूं मेल हैं, तो वो आल राजस्थान का ही ऑप्शन भरें, बिल्कुल भी अपने हाथ से मौके को नहीं जाने दें। जनरल ओबीसी महिला 250 प्लस है तो उनको अपने चॉइस का कॉलेज भी अब की बार मिलने की, जैसे सर्वे की रिपोर्ट है, पूरी संभावना है। लेकिन जनरल ओबीसी के छात्र जो है उनको बता देते हैं कि 200-250 में आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही आल राजस्थान का ऑप्शन दें। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि पर ज़्यादा चांस ये भी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो बीए, बीएससी, एमएससी वाले जो बच्चे हैं वो भी बीएसटीसी करना ही पसंद कर रहे हैं। किसका कारण ये है कि 2018 में जो लेटेस्ट अभी भर्ती गई थी उसमें बीएसटीसी वालों का ही सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हुआ था, इसलिए अब के पर ज़्यादा क्रेज बीएसटीसी का ही है। तो बहुत से बच्चे जो है पीटीटी को छोड़ करके अगर बीएसटीसी में आता है तो वो बीएसटीसी ही करेंगे। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप जो है पीटीटी के अंतर्गत बीएड ही करें। इसका कारण है कि आप सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड दोनों में ही पात्र हो जाएंगे। यदि आप एमएससी एमए तो इसके साथ में आप लेक्चरर की तैयारी भी कर पाएंगे, इसलिए मेरी सलाह आपसे यही है कि आप जो है बीएड ही करें। वैसे आपके यदि मेरी आपसे सलाह है कि 200 या 250 के बीच मार्क्स हैं जनरल ओबीसी के छात्र आर्ट्स के, तो भाई आप फर्स्ट काउंसलिंग में आल राजस्थान का ऑप्शन ज़रूर दें। दोस्तों तो ये कुछ समस्याएं थी जो कि अभी लेटेस्ट हमारे सर्वे की रिपोर्ट थी वो मैंने आपके सामने रखी।
अब मैं यही आपको सजेशन कराता हूँ कि आपकी यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।